स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 एलपीपी क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इससे पहले हमारी एलपीपी की दो क्लास हुई है। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीपी पढ़ा था। एलपीपी मींस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन और एक क्वेश्चन किया था जो बाउंडेड का था, और जो सेकेंड क्लास थी हमारी इसकी, इसमें हमने दो क्वेश्चन किए थे और दोनों ही हमारे पास अनबाउंडेड, जो रीजन था हमारा, जो फिजिकल रीजन था वो अनबाउंडेड था। तो मैंने आपको बताया था कि अनबाउंडेड में तीन टाइप से क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से दो टाइप मैंने करके आपको दिखाई थी सेकंड क्लास में, जिसमें से एक बार जो एक क्वेश्चन था हमारा उसमें सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट आया था, जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं किया था, और एक जो मैंने सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें हमारा एक सॉल्यूशन उसके अंदर हमें मिला था। तो मैंने आपको बताया था कि एक टाइप और है अनबाउंडेड के अंदर जो बन जाती है, तो उसका मैंने क्वेश्चन लेकर के मैंने उसकी एक एक जो है प्रॉब्लम, पूरी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो हमने ली है, जिससे क्या है कि इसमें हम दो चीज सीखेंगे साथ में, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, किस तरह से हम फॉर्मूला बनाते हैं और सॉल्व फिर हमें करना आता है, जैसे कि हमने लास्ट टू क्लासेस में सीखा था। तो फॉर्मुलेशन बहुत जरूरी है, वैसे सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डाटा हमें गिवन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और फिर हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ मिक्सर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। ठीक है, मैं कुछ चीजों को अंडरलाइन करूंगा जिससे हमें बाद में आसानी रहे। एंड फूड पी कॉस्ट रुपीज 60 पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट रुपीज 80 पर केजी। आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक में मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। एंड फूड क्यू कॉस्ट रुपीज 80 पर केजी। ठीक है, फूड पी कंटेन 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी, वाइल फूड क्यू कंटेन 4 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सर। तो रेशमा को क्या करना है कि दो जो हमारे पास दो फूड है उनको मिक्स करके उसे डाइट प्लान करनी है। ठीक है, अब जो उसको वो डाइट प्लान करनी है, जो डाइट उसको बनानी है, उसके अंदर कम से कम एट लीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए के उसे चाहिए और 11 यूनिट्स विटामिन बी के होने चाहिए उस पूरी डाइट में। अब जो विटामिन ए है उसकी जो विटामिन जो फूड पी है उसकी कॉस्ट अगर मार्केट से आएगी तो 80 रुपीज पर केजी, और फूड क्यू जो है मार्केट से आएगा वो 60 रुपीज पर केजी और ये 80 रुपीज पर केजी जो कॉस्ट है दोनों फूड की। अब जो फूड पी कंटेन 3 यूनिट्स पर केजी और विटामिन ए, जो फूड पी है उसके 1 केजी में 3 यूनिट विटामिन ए के है, 5 यूनिट विटामिन बी के, इसी तरह से क्यू के बारे में विटामिन की जो क्वांटिटी है वो हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सर, हमें मिक्सर की कॉस्ट निकालनी है कि हम मार्केट से जाएंगे कितनी केजी हमें फूड पी लेना है, कितना केजी हमको फूड क्यू परचेज करना है, जिससे कि हमारी प्रॉपर डाइट प्लान हो सके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन बार बार ना पढ़ करके इसको हम थोड़ा सा, जो पूरा हमें डाटा गिवन है इसको हम थोड़ा सा रफ में बना लेते हैं। देखिए, इस टाइप से आप इसे रफ में बना लेंगे, यहाँ पर फूड पी, यहाँ फूड क्यू, फूड यहां भी लिख सकते हो आप, और यहां पर है विटामिन ए। इससे क्या होगा कि बार बार हमें इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां लिखेंगे विटामिन बी और हम यहां लिखेंगे कोस्ट। ठीक है, फूड जो पी है हमारे पास उसमें 8 यूनिट पर केजी, ये ध्यान रखना, यहां पर आप लिख दीजिए यूनिट पर केजी में क्वांटिटी गिवन है। तो फूड जो हमारे पास पी है उसमें 3 यूनिट्स है, यहाँ पर क्या आएगा, जो फूड पी में 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए है, तो विटामिन ए कितना है इसमें 3 यूनिट्स पर केजी। क्यू में हमारे पास, सॉरी, पी में जो विटामिन बी है, पी में विटामिन बी वो हमें गिवन है 5 यूनिट्स पर केजी, और क्यू में हमें 4 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए गिवन है और 2 यूनिट्स पर केजी विटामिन बी गिवन है। अब बात आती है कॉस्ट की, जो कॉस्ट है वो ₹60 पर केजी फूड पी की है और फूड क्यू जो है वो 80 रुपीज पर केजी है।
अभी जो मैंने एटलीस्ट जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी, मतलब क्या है इसका? जब हम फूड पी और फूड क्यू का मिक्स करेंगे तो इतना विटामिन आएगा। ये जो विटामिन है ये एटलीस्ट 8 यूनिट होने चाहिए, ये एटलीस्ट 11 यूनिट होने चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम, मतलब ज्यादा भी हो सकती है। अगर 8 यूनिट से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 8 यूनिट से कम नहीं होना चाहिए। तो जब भी एट लीस्ट आता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, मतलब जो विटामिन बी है वो कम से कम 11 होना चाहिए, ये 11 यूनिट से ज्यादा होना चाहिए। अगर यहां पर होता एट मोस्ट, तो फिर एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा इतने, मतलब इससे ज्यादा ना हो, कम चलेगा, तो उस केस में यहां पर लेस देन इक्वल टू आएगा। ठीक है, अब हम इसकी फॉर्मुलेशन करते हैं। ठीक है, लेट हम जब मार्केट में जाएंगे तो हमें फूड पी और फूड क्यू जो है वो हमें मार्केट से खरीदना है। ठीक है, जब हम मार्केट से खरीदेंगे तो कितना फूड पी और कितना फूड क्यू हमें खरीदना है, तो हम लिखेंगे लेट मिक्सर, जो हमारे पास मिक्सर है, कंटेन्स एक्स केजी ऑफ फूड पी एंड वाई केजी ऑफ फूड क्यू। मान लीजिए हमने, ये रफ है, ठीक है, ये इसलिए बनाया है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमें बार बार ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, मान लीजिए मिक्सर कंटेन करता है हमारे पास एक्स केजी ऑफ फूड पी एंड वाई केजी ऑफ फूड क्यू, यानी कि हमने ये एक्स केजी लिया और ये हमने वाई केजी लिया। ठीक है, अब आइए, फूड पी में कितना विटामिन ए है? तो विटामिन ए इन फूड पी, फूड पी में कितना विटामिन ए है भैया? 3 यूनिट पर केजी है। हमने कितना केजी मार्केट से परचेज किया? एक्स केजी, तो कितना आएगा? 3x यूनिट, 3x हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब कितनी यूनिट उसमें, अभी ये ध्यान रखना, सबसे पहले हम एक पूरा विटामिन लेंगे, विटामिन ए इन फूड पी। अब हम निकालेंगे विटामिन बी इन फूड क्यू। भाई जो हमारे पास क्यू फूड है उसके अंदर 4 यूनिट है, 1 केजी में 4 यूनिट विटामिन बी, विटामिन ए है, क्यू में हमने लिया वाई केजी, तो ये कितना आएगा? 4y यूनिट। अब हम यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या है? जो टोटल ये इतना विटामिन ए हमारे मिक्सर में है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये जो विटामिन ए है वो 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक इक्वेशन कंप्लीट करते हैं। ये हमारी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन है, मैंने आपसे बताया था एलपीपी में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और कुछ हमारे पास होती है रेस्ट्रिक्शन या सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हम बोलते हैं, वो कंडीशंस जिसके अंदर से हमें वो मिनिमम या मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव निकालना है। तो पहली कंडीशन बन गई, ये विटामिन ए हमारा खत्म। अब विटामिन बी पर आइए, तो यहां लिखेंगे हम विटामिन बी इन फूड पी। भैया एक्स के जी हम मार्केट से लेकर के आए, एक्स के जी हमने खरीदा, 1 केजी में 5 यूनिट है, तो एक्स के जी में कितना आएगा? 5x यूनिट्स। ऐसे ही विटामिन बी इन
फूड क्यू, जो फूड क्यू है उसमें 2 यूनिट्स पर केजी है, तो ये आएगा 2 वाई यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास बनी सेकेंड इक्वेशन, ये भी खत्म। अब रही हमारे पास कोस्ट, तो अब हम लिखेंगे कोस्ट ऑफ एक्स केजी ऑफ फूड टी। भैया पर केजी 60 रुपीज का है, तो एक्स केजी कितने का आएगा, 60 एक्स रुपीज। कॉस्ट ऑफ वाई के जी ऑफ फूड क्यू रुपीज 80 वाई। ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा, ये कंप्लीट, जो फॉर्मुलेशन है लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, इसका अभी हमारे पास कुछ काम नहीं है, तो अब हम इसे रब करें। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट मतलब किसको हमें मिनिमम या मैक्सिमम दिखाना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड मिनिमम कॉस्ट, तो अब हम यहां पर हेडिंग डालेंगे एल पी पी, नंबर एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारे पास मिनिमम जेड, जो टोटल कॉस्ट पहले हम लिखिए टोटल कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सर है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 60x plus 80y जो है हमारे पास वो टोटल कॉस्ट आई। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, जो कॉस्ट है हमारे पास, जो हमारे पास मिक्सर की जो कॉस्ट होगी वो होगी हमारे पास रुपीज 60x plus 80y। जब आप सारी कंडीशंस को यूज कर लेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे फिर एल पी पी। सबसे पहले आता ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या तो होगा मिनिमम या होगा मैक्सिमम, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, तो उसे जेड नाम हमने दे दिया, ये कॉस्ट है हमारे पास 60x plus 80। फिर हमारे पास होती है रेस्ट्रिक्शन, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ये हमारे पास दो है, एक ये है और एक ये, 3x plus 4y greater than equal to 8, 5x plus 2y greater than equal to 11, एंड जितने भी क्वेश्चन हमारे लैंग्वेज प्रॉब्लम के हैं उसमें लिखा जाएगा x greater than 0 और y greater than equal to 0। क्यों? क्योंकि जब बाजार में आप जाओगे तो या तो आप खरीदोगे कुछ ना कुछ, तो क्वांटिटी खरीदोगे तो वो पॉजिटिव में ही आएगी, या जीरो आ सकती है कि आप नहीं खरीदोगे, नेगेटिव तो कभी होगी नहीं। तो जितने भी क्वेश्चन है लास्ट में आप लिखेंगे x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो ये हमारे पास फॉर्मुलेशन हो चुकी है। जो हमारी एक्सरसाइज थी 12.1 उसमें हमें सिर्फ ये गिवन होता था और हमें ग्राफ बनाना था। 11 जो हमारी ये एक्सरसाइज है हमारे पास 12.2, इसमें क्या है कि हमें प्रॉब्लम मिलेगी उसको हमें फॉर्मुलेट करना है पहले, देन उसे हमें सोल्व करना था। अब हम इसको सोल्व करेंगे ग्राफिकली, अभी हम देखते हैं ये बाउंडेड बनेगा या अनबाउंडेड बनेगा। हालांकि जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो अनबाउंडेड का ही लिया है, क्योंकि मुझे अनबाउंडेड का जो थर्ड केस है वो समझाना था। So, आप वीडियो को पॉज करके पहले नोट करते रहा करो, ठीक। अभी ग्राफ बनाना है सेम जैसे हम पहले करते थे। पहली इक्वेशन लिखेंगे हम 3x plus 4y equal to 8, इसकी टेबल बनाएंगे, x लिया 0, y आया 2, y लिया 0, x आया 8/3। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन हम लेंगे 5x plus 2y equal to 11,
इसमें एक्स लेंगे जीरो, तो वाई हमारे पास आएगा 5.5 मतलब 11/2, और y जब हम 0 लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 11/5। मतलब ऐसा नंबर हो जो मोस्टली आपका कट जाए, कोशिश ये करनी है फिलहाल। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, और यहां हम ले लेते हैं इसको ये 5, और ये 6, -1, -2, -3। तो अब कौन को प्लॉट करते हैं, x0 y2 यहां पर आएगा 8/3, ये 2 point something, ये आएगा हमारे पास 2.6 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। यहां ले लेते हैं, ये आएगा हमारे पास 8/3, 0। ये जो है हम दोनों लाइन को आपस में मिलाएंगे, ये इसके ऊपर इक्वेशन डाल दीजिए आप, 3x + 4y = 8। सेकेंड हमारे पास 0 and 11/2, ये यहां पर आपका आएगा 0 11/2, फिर ये 11/5, ये आपका करीब यहां पर आएगा, इस पर भी आप डाल दीजिए इक्वेशन आपकी, ये हमारे पास 5x + 2y = 11। तो अब रीजन शेड करेंगे हम इसका, जो हम रीजन शेड करेंगे तो रीजन शेड करने के लिए सबसे पहले हम इसे सेटिस्फाई करेंगे ओरिजिन से। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 0 > 8 और सेकंड इक्वेशन है 0 > 11, जो दोनों ही ओरिजिन इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो दोनों का अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा, इसका रीजन भी इधर शेड होगा। तो जो टोटल प्रॉपर रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, वो हमारे पास ये आएगा, यहां से स्टार्ट होगा ये, इसको डार्क कर देते हैं, और ये सब हमारे पास रिक्वायर्ड, ये फीजिबल रीजन है हमारे पास जो कि अनबाउंडेड है। तो मैंने अभी आपसे बताया था कि मैं अभी एक क्वेश्चन करूंगा जो अनबाउंडेड होगा, और ये भी अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड में मैंने आपको क्या करना है, अभी आपको पहले सबसे पहले तो टेबल बनानी है, वो टेबल बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें पॉइंट निकालने हैं इस रीजन के, कॉर्नर पॉइंट 1, 2, 3, ये है 0 11/2, ये है 8/3, 0। अब हमें ये निकालना है, तो ग्राफ पेपर पे तो ये मिल ही जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लीजिए। ये पॉइंट हमारे पास आएगा 2.5, 2, 1/2। तो अब हम
इसकी टेबल बनाएंगे। यहां पर आएंगे हमारे पास पॉइंट्स, ये आएगा हमारे पास जेड 60x प्लस 80y, पॉइंट है हमारे पास 0 11 अपॉन 2 2 एंड हाफ एंड 8 अपॉन 3 कोमा 0। जेड की वैल्यू आएगी 0 प्लस 0 प्लस 80 इंटू 11 अपॉन 2 40, ये आया 440। यहां से आएगा 120 प्लस 40 160, यहां से हमारा आएगा 60 इंटू 8 अपॉन 3 प्लस 0, ये आया हमारे पास 160। तो मैंने आपको बताया था कि अनबाउंडेड की तीन तरह की प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी। तो थर्ड टाइप की पहचान क्या है, पहले तो वो सुनिए। थर्ड टाइप की पहचान ये है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है मिनिमम या मैक्सिमम, वो टेबल में आपको दो जगह दिखेगा। देखिए, जेड की वैल्यू 440, जेड की वैल्यू 160, जेड की वैल्यू 160, इसमें मिनिमम कौन सी है? मिनिमम है 160। और जब अनबाउंडेड प्रॉब्लम में, हालांकि बाउंडेड में दो नहीं आएंगी, हमेशा आएगी तो अनबाउंडेड में ही दो जगह सेम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो थर्ड टाइप की पहचान हमारी ये है कि जब हमारी मिनिमम या मैक्सिमम, जो भी ऑब्जेक्टेड है, मिनिमम होगा ऑब्जेक्ट या मैक्सिमम होगा जो भी है, अगर वो दो जगह आ रहा है तो वो थर्ड टाइप की अनबाउंडेड प्रॉब्लम है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये बात तो पक्की है, इस रीजन के अंदर जो फीजिबल रीजन है, यहां की बात नहीं कर रहे, यहां की बात नहीं कर रहे, यहां की बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं, इसमें आप एक्स और वाई की कोई सी भी वैल्यू ले लो, 160 से कम आंसर आएगा नहीं। बस हमें ये कंफर्म करना है कि 160 वाले कितने पॉइंट्स हैं। अगर एक से इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, जो ने टाइप वन बताई थी। अगर किसी एक पॉइंट से जाता है तो यूनिक आंसर, थर्ड टाइप। अब इसको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अब हम क्या करते हैं अनबाउंडेड में, क्या करते हैं अब हम, कि जो z की वैल्यू है 160 वो इसमें डालेंगे। तो 60x प्लस 80y मिनिमम है, तो ग्रेटर देन लेस देन, और अगर अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें 20 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू, ये आएगा तुम्हारा 8। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे, ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक जो पॉइंट है, क्योंकि 160 वाले जितने भी पॉइंट है वो सारे ले लो, एक पॉइंट तो है 2.5 और दूसरा पॉइंट है 8 अपॉन 3 कोमा 0। अब मैंने क्या बताया था कि इस लाइन को इसमें ड्रॉ करेंगे, और कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड। और ये एक चीज मैंने गलत कर दी, यहां पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तीन केस मैंने आपको बताए थे, पहला केस, मैं उन तीनों केस को डिस्कस करता हूं। पहला केस, अगर ये लाइन बीच में चली जाती है ऐसे, तो इसके कॉमन पॉइंट्स इसे मिल जाएंगे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा केस मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है ये ऐसे बीच में से जाएगी, पास होगी ऐसे, जो सेकंड क्वेश्चन था अनबाउंडेड का, इससे पहले वाली क्लास में, तो एक पॉइंट कंटेन करेगा, मतलब कॉमन पॉइंट तो मिलेगा लेकिन यूनिक मिलेगा, तो यूनिक आंसर। अब तीसरी टाइप, जब मैं इसको यहां ड्रॉ करूंगा, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं पहले, तो जब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, 2.5 ये है, 8/30 ये है। अब सुनना जरा, जब हम इसको मिलाएंगे, अब डॉटेड ये लाइन ये है भाई, 2 और 1 अपॉन 2 ये है, 8/3 कोमा 0 ये पॉइंट है। अब जब इसे मिलाएंगे, डॉटेड मिलाएंगे, डॉटेड ऐसे, ये लाइन ऐसे बनेगी, इसी के ऊपर बन जाएगी। मतलब ये हुआ, मैं आपको समझाता हूं,
जब दो जगह सेम आंसर आएगा ना, तो 100% अगर आप रेस्ट्रिक्शन चेक करिए जो आपने बनाई थी, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट चेक करना, ये जो इक्वेशन है उन दोनों में से कोई सी एक बनी होगी। ठीक है, तो जैसे कि इसके ऊपर ड्रॉ हो गया ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, और जेड वाली भी वही बनी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसी के ऊपर ड्रॉ हो जाएगी। अब बात आती है, ड्रॉ हो गई, जब अब यहां पर जो पॉइंट है उस पर भी आंसर 160 आएगा, यहां पर भी पॉइंट है उस पर भी आंसर 160, यहां पर भी पॉइंट है 160 160 160 160, लेकिन हमें देखना है कि इस लाइन पर ऐसे कितने पॉइंट हैं जो फीजिबल रीजन में आ रहे हैं। तो ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है हमारे पास, छोटी सी लाइन सेगमेंट, सिर्फ ये लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट हैं वो इसमें आ रहे हैं, तो ये तो थोड़े से पॉइंट हुए। अब क्योंकि अब हालांकि यहां पर इनफाइनाइट आंसर आएंगे, बट यहां पर अगर आप नोट करेंगे इस रीजन के अंदर, अगर आप नोट करोगे इस छोटे से सेगमेंट के अंदर, तो जितने भी पॉइंट हैं हमारे एक्स और वाई को एप्रोक्सीमेट बराबर ही आएंगे। सपोज करो हम मार्केट से 2 kg हमने कुछ खरीदा, या 1.9 kg या 2.1 kg, एक तो थोड़ा डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस होगा। हालांकि आंसर तो इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट है, पर वो सभी पॉइंट एप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो इसीलिए मान लेते हैं कि यही सॉल्यूशन है। अगर ये लाइन ऐसे अंदर चली जाती तो फिर तो डिफरेंस बहुत हो जाता। मान लीजिए सपोज करो यहाँ 2 है और अंदर चली गई लाइन, वहां 100 भी आ सकती है एक्स की वैल्यू, 1000 भी आ सकती है एक्स की वैल्यू, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर यहाँ पर आप देखोगे तो एक्स की वैल्यू 2 से लेकर के और 3 के बीच में है, 2.5 लगभग, तो माइनर सा डिफरेंस है। तो ऐसे केस में हम आंसर क्या लिखते हैं वो आप देखिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। तो मिनिमम कॉस्ट जो आएगी हमारी, मिनिमम कॉस्ट इज ₹160 एट दी पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2.5 एंड 8/3,0। तो अनबाउंडेड की आपकी थर्ड प्रॉब्लम है। मैं एक बार आपको और बताता हूं कि जब हमारा रीजन अनबाउंडेड होता है तो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी होता है उसे जेड के प्लेस पर डालते हैं। ऐसे अगर मैक्सिमम है तो ग्रेटर, मिनिमम है तो लेस। अब इस लाइन को हम इस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। अगर ये लाइन ऐसे बीच में आ जाती इस तरह से, तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसे निकल जाती किसी एक पॉइंट से, तो यूनिक पॉइंट हो गया, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर ये दो जगह आ जाती है, तो कोई ना कोई इन दोनों में से कोई सी एक लाइन बनेगी, जेड वाली, और वो ये बनी इसके ऊपर ड्रॉ किया, तो छोटा सा टुकड़ा है जो इस लाइन पर भी है और इस रीजन पर भी, सारे पॉइंट्स हम ले सकते हैं। अब क्योंकि सारे पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो माइनर सा डिफरेंस तो चल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं चल सकता 2 kg और 100 kg में तो बहुत डिफरेंस हो गया, लेकिन 2 kg या 2.1 kg या 1.9 kg इसमें तो माइनर सा डिफरेंस भी चल सकता है। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। इस चैप्टर की लगभग सभी टाइप्स की जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे की जो क्लासेज हैं उसमें सिर्फ आपको फॉर्मुलेशन करेंगे, वो भी 5-6 क्वेश्चन है, ज्यादा है भी नहीं, इस एक क्लास में खत्म हो जाएंगे, बाकी ग्राफ आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट